press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान मदनलाल सैनी जी, राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी और विशाल संख्या में पधारे हुए अलवर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, त्यागी, तपस्वी और दार्शनिक राजा भर्तृहरि की यह धरती को उद्धोग मीन भगवान पांडवन का पांडुपोल और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तीसरी राजधानी निमराना की या धरती को मेरे फिर दो। राजस्थान का सिंह द्वार कहे जाने वाली अलवर की पावन धरती पर भगवान भर्तृहरि को नमन, जिन्होंने एक हिरण को जीवन दान देने के लिए राजपाट छोड़ करके वैराग्य लिया था। ये दिल्ली पर राज करने वाले सम्राट हेमू के शौर्य की भूमि है, ये महाराणा प्रताप के साहस की भूमि है, ये पृथ्वीराज चौहान के पुरुषार्थ की भूमि है, ये पन्ना खाई के त्याग की भूमि है, ये मीरा की भक्ति की भूमि है, ये भामाशाह के समर्पण की भूमि है और ये 6 करोड़ 80 लाख 20 साहसी और दिल में हिंदुस्तान रखने वाले राजस्थानियों की भूमि है। माता नारायणी स्वयं मुद्रा में विराजमान पांडुपोल के हनुमान जी, उनके शुभ आशीष से आप सभी अलवर का जन जन राजस्थान और देश को आगे बढ़ाने में जुटा है। विशाल संख्या में पधारे हुए राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप आज अलवर की धरती से मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। तेरह में भी अलवर से यात्रा आरंभ हुई, आज फिर एक बार उसी धरती को नमन करते हुए चुनाव अभियान का मैं राजस्थान में आरंभ कर रहा हूं। ये विराट जनसागर
ये छतों पर खड़े लोग दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके जो सुबह एक को जिताते हैं, शाम को दूसरे को हराते हैं, दूसरे दिन दूसरे को जिताते हैं, ये उनके लोगों के लिए ये जरा नजारा देख लीजिए हवा का रूप क्या। ये राजस्थान की धरती का मिजाज देख लीजिए। भाई बहनों, मुझे छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला, मध्य प्रदेश जाने का मौका मिला और आज ये राजस्थान की वीर भूमि के दर्शन करने का अवसर मिला। और मैंने देखा है कि देश का नौजवान, देश का गांव का, गरीब का, किसान का बेटा, हमारी माताएं बहनें, हर कोई नागरिक एक ही मंत्र लेकर के इस चुनाव को देख रहा है और वो मंत्र है विकास कैसा होगा, विकास कौन करेगा। और हर कोई पिछली सरकारों को याद करके भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई बहनों, आज जब मैं अलवर राजस्थान के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहा हूं तो ये धरती, ये गौरव की धरती है, ये अहंकार को चूर चूर करने वाली धरती है। चार चार पीढ़ी तक जिस पार्टी ने देश में राज किया, जो नामदार पार्टी पर कब्जा कमर दबा करके बैठे हुए, मैं जरा उनसे पूछ रहा था, पांच पांच छह छह दस राज किया, क्या दुनिया के किसी देश में भारत का मुखिया जाता है तो क्या दुनिया उसकी जान पूछती है क्या? अरे जब भारत का मुखिया जाता है तो दुनिया को मोदी नहीं दिखता है, न मोदी की जात दिखती है, दुनिया को तो 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं, एक हिंदुस्तानी। भाई बहनों, जो कल तक भारत पर बम दागने की धमकी देते थे, जो कल तक भारत में बम दागने की धमकी देते थे, आज हमारी रणनीति ने उनको कटोरा पकड़ा दिया है। कटोरा भाइयों बहनों, इसके पीछे मोदी की जाति नहीं है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार, ये समस्या की जड़ है, वे लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करते, वे पराजय को स्वीकार नहीं करते, जनता जनार्दन के आदेश को स्वीकार नहीं करते, वो तो मार के बैठे हैं, ये गद्दी उनके परिवार को नाम लिखी हुई है, इस पर दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, कोई बैठ ही नहीं सकता। और वो भी एक चाय वाला बैठ गया।
हजम नहीं हो रहा है उनको। उनकी वो जो चाहती वाली मानसिकता है उसी जहर का परिणाम है कि इस प्रकार की हरकतें नजर आती है भाई। ये कांग्रेस का हंसक राजस्थान का इतिहास साक्षी है कि भाजपा ने भाई बहनों राजस्थान का इतिहास साक्षी है। अभी वसुंधरा जी बता रही थी राजस्थान की जनता ने कुछ बातें जरूर की है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के दिलों में जगह बनाई है ये भाजपा है। नरोसी जी को लगातार दो बार सरकार बनाने का आशीर्वाद जनता ने दिया और यही राजस्थान है जो कभी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से आशीर्वाद नहीं देती है, कभी दिया भी तो भी आधा जुड़ा दिया क्योंकि उनके प्रति उनका मन ही नहीं लगता है। वो जोड़ तोड़ की करते हैं और आज तक तो हर गली मोहल्ले में मुख्यमंत्रियों को घुमा रहे हैं कि जहां जाए ये हमारा मुख्यमंत्री, वहां जाए वो हमारा मुख्यमंत्री, उधर जाए वो हमारा मुख्यमंत्री। उनकी पूरी पार्टी मुख्यमंत्री पर इतनी कंफ्यूज है, नेता इतना कंफ्यूज है तो पार्टी भूल होगी नहीं होगी क्या होगा। आइए है ना, इनका घमंड राजस्थान के जीवन में भरी भांति पड़ती है। आप जानते हैं मेरे अवर के भाई, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार जिसने कुंवर प्रताप सिंह जी के साथ क्या किया था क्या भूलेंगे क्या यहां के लोग? कुंवर प्रताप सिंह जी के साथ ये कांग्रेस के अहंकार ने कैसी हरकतें की थी वो आज भी बातें जिंदा है। अरे इतना छोड़ो, कांग्रेस का समर्पित जीवन जीने वाले पंडित नवल किशोर शर्मा, अरे उनके साथ भी आपने क्या किया था ये क्या यहाँ के लोग भूल जाएंगे क्या? अगर पंडित नवल किशोर शर्मा को मान सम्मान गौरव देने का सौभाग्य मिला तो गुजरात की धरती को मिला था। जब वो मेरे यहाँ गवर्नर के नाते आए तो मुख्यमंत्री और गवर्नर का संबंध उत्तम कैसा हो सकता है उसका एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया था। और आपने ऐसे ऐसे व्यक्ति को जितना बदनाम कर सकते हो करने का, जितना किनारा कर सकते हो करने का काम किया था। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.